हेलो दोस्तों, आज 2011 टोयोटा एवालोन है हमारे पास। कस्टमर का कंप्लेंट था कि इसका जो वॉशर है, वॉशर ग्लास को साफ करने वाला जो मोटर है पानी का, वो काम नहीं कर रहा है। वॉशर मोटर ऑन नहीं हो रहा था, तो कस्टमर ने क्या किया, इसका मोटर भी चेंज किया और दूसरा इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा था। पहले तो किसी ने हारन के लिए ये रिले लगाया था, हारन भी काम नहीं कर रहा था। और वॉशर जो पानी का ग्लास का वाटर है वो भी ऑन नहीं हो रहा था। तो सब कुछ चेंज किया, लेकिन आखिर में जो फॉल्ट निकला इस चीज़ का निकला। ये ईसीयू फ्यूज़ बॉक्स में, लेफ्ट साइड फ्यूज़ बॉक्स में, इंजन में लगा होता है। तो मैंने इसको चेंज किया, अभी ये पूरा सिस्टम सही हो गया। तो ये वीडियो का मकसद है कि अगर आपके पास भी ये इशू आ रहा है तो आपने इसको चेंज करना है। ये इसी हो, इसको हमारे पास सेकंड हैंड था, वो लगाया। तो अभी इसका जो हॉर्न का वायर है ये भी उसको भी मैं टोर का वापस निकालेगा, और जो कंपनी का वायर है उसको वापस इसमें फिक्स करेगा। इसको पूरा निकाल के जो वायर काटा माटा है उसको भी पहले की तरह, जो कंपनी से फैक्ट्री से जैसे आते हैं, हम उसको फिक्स करेगा। तो यहाँ पे भी ये वायर पूरा काट दिया था, दूसरा नया वायर लगाया है। तो अभी हम इसको भी निकालेंगे और इसका जो ओरिजिनल वायर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो पूरा फॉल्ट था वो उस ईसीयू में था। हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था और वॉशर मोटर भी ऑन नहीं हो रहा था। तो कभी भी आपका हेडलाइट काम ना करे, ये पहले वॉशर का मोटर है, कस्टमर ने इसको भी चेंज किया, नया लगाया, लेकिन इससे काम नहीं बना। बाद में इसको चेंज किया तो ये साफ सिस्टम ज़बरदस्त हो गया, सब सिस्टम ने काम चालू कर दिया है। तो इसका वायरिंग अभी वापस लगा रहा है।